हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त रितु। और मैं हूं कार्तिक। और गाइस, आज ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कार्तिक अभी अपनी दादी के घर से आया है, वहां गया हुआ था समर वेकेशंस में। और क्या क्या लेके आए हो कार्तिक तुम वहां से? शूज, कपड़े, बैट। हाँ, और जितना भी वो बहुत सारा सामान लेके आया, और जितना भी वो सामान लेके आया वहाँ पे से, उसमें से एक इसका जो पसंदीदा है, और इसने शायद ऑन डिमांड ये लिया है। मतलब इससे जब पूछा गया कि तुझे क्या लेना है यहाँ से, तो इसने वहाँ से लिया। क्या लिया दिखाओ कार्तिक। ये बैट। इसलिए गाइस, वो यहाँ पे इससे भी ले सकता था, लेकिन क्या है, वहाँ पे बैट बनाए जाते हैं। हाँ, और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया जो है पंजाब से ही भेजे जाते हैं। मतलब और जगह भी बनते होंगे, लेकिन जो फेमस हैं। और कार्तिक तुम बताओ, जो क्रिकेटर्स होते हैं वहीं से लेके जाते हैं ना? कुछ कुछ क्रिकेटर्स वहाँ से लेके जाते हैं। DSC के बैट वहाँ बहुत बनते हैं। और सबसे अच्छा कौन सा होता है? सबसे अच्छा तो DSC होता है। मतलब अगर DSC का बैट की कोई कंपनी, कोई प्लेयर यूज़ कर रहा है, तो समझ लो वो पंजाब से लेके गया है वो बैट। तो गाइस, चलिए कार्तिक, बैट के बारे में तुझे बताना है अब हमें, ठीक है? तुझे पता होगा, अब हम तो क्रिकेट खेलते ही नहीं। गाइस, कार्तिक को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। मतलब बहुत, आजकल के सभी बच्चों को, बॉयज़ को स्पेशली क्रिकेट का शौक होता है। इसे तो इतना ज़्यादा है कि घर में भी, घर के अंदर भी, छोटे से रूम में भी, मतलब क्रिकेट खेलता रहता है। इसको इतना शौक है। और इसके पास ऑलरेडी 2 बैट हैं घर पे, उसके बावजूद भी एक नया बैट लेके आया है। तो चलो कार्तिक, खोलो इसे और सबको दिखाओ। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्तिक इसको खोल रहा है। चलो कार्तिक, खोल के दिखाओ। गाइस चलिए, रबर हटा लो, हटा लेते हैं जल्दी से। अरे इसको जल्दी खोलो गाइस। बैट तो खुल गया है, अब इसके अंदर एक और पैकेजिंग रखी है। इसको भी पहले खोलो। गाइस ये 4 नंबर का बैट है। आप जैसे हर एक बैट पर, अगर आपके पास भी बैट है तो यहाँ स्टिकर बना होता है। अब आपने हटा दिया कि नहीं, मेरे को नहीं पता। ये 4 नंबर है, अलग अलग नंबर के बैट होते हैं। और इस स्टिकर पर वाटर शॉट लिखा है। वैसे तो कंपनी लिखी होती है, पर स्टिकर लोग अलग अलग चिपका देते हैं। तो गाइस ये बैट मेरे बड़े पापा ने दिलाया है। मैंने चाचू को भी बोला था, पर चाचू ने मेरे को बैट इसलिए नहीं दिया, क्योंकि चाचू ने बोला था कि देहरादून बहुत दूर है पंजाब से, इतने बैट कैसे लेके जाएगा, बैग भी इतने हैं तुम्हारे, बैग कैसे लेके जाएगा फिर। और चाचू ने मेरे को पहले भी दिला रखा है एक बैट। तो गाइस, आपका जो भी पैशन है आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। तो और आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्स है उसे मेरे को कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। और गाइस एक और चीज़ कमेंट करना, जो आप बड़े होकर बनना चाहते हो वो भी चीज़ कमेंट में कर देना। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या बनना चाहते हो। मैं तो गाइस क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, अब बाकी आप लोग कमेंट में बता दें। हाँ, और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ स्पेशली बच्चों के लिए, कि आप लाइफ में आगे जाके जो भी बनना चाहते हो, जिस भी फील्ड को चूज़ करना चाहते हो, सबसे पहले पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाई के नाम से कार्तिक उधर चला गया, कार्तिक इधर आओ। और सबसे पहले पढ़ाई ज़रूरी है, तो अपने पैशन को फॉलो करते करते साथ में पढ़ाई पूरी कीजिए। कार्तिक बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स आते हैं इसके। और लेकिन थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई पर भी दीजिए, और अपने जो भी आपका, चाहे आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, या कोई और आपका पैशन है, वो बनना चाहते, जो भी आप बनना चाहते हो, उसके लिए अभी से मेहनत कीजिए। मेहनत का फल एक दिन ज़रूर सफलता की ओर, सफलता के रूप में हमें मिलता है। ओके गाइस, तो मेहनत ज़रूर करो। बच्चों के लिए ये मैसेज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।